गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 8 ऑफ SST। द चैप्टर नेम इज़ लाइफ इन द साउदर्न प्लेट्यूज। इसमें मैंने आपको MP यानी मध्य प्रदेश पढ़ा दिया था। इसके बाद मैंने आपको छत्तीसगढ़ के बारे में भी पढ़ा दिया था और इसके आगे कौन सा स्टेट आता है, झारखंड भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। और नेक्स्ट आएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक से आज स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कर्नाटक की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर क्या क्या फेमस है। कर्नाटक इज़ वन ऑफ द फोर्थ साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। कर्नाटक जो है वो क्या है, वन ऑफ द फोर्थ साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया का फोर्थ साउदर्न स्टेट है। बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है। नेबर्स, इसके नेबर कंट्री कौन कौन से हैं, नेबर स्टेट्स कौन कौन से हैं। द स्टेट्स शेयर इट्स बाउंड्रीज विद गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला। मीन्स कर्नाटक की बाउंड्रीज पे कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला। इसके बाद इसके टूरिस्ट प्लेसेस क्या क्या हैं, टूरिस्ट प्लेसेस अब हम पढ़ेंगे। सम ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ कर्नाटक इंक्लूड गोल गुंबज एट बीजापुर, मैसूर पैलेस एट मैसूर, दरिया दौलत, बाग एट श्रीरंग पटना, दरिया दौलत बाग जो कि श्रीरंग पटना में है, जोग फॉल्स एंड श्रीवन समुद्र फॉल। ये दो फॉल्स हैं जो वहाँ पर फेमस थे। आर फेमस वाटरफॉल्स ऑफ द स्टेट। ये दोनों वाटरफॉल्स बेटा अभी नेटवर्क इशू है, अभी थोड़ी देर में आने लगेगी। मेरे तरफ से आप सबकी आवाज़ आ रही है, कुछ नेटवर्क इशू होगा थोड़ी देर बाद। अगर आवाज़ नहीं आती तो थोड़ी देर बाद आने लगेगी। तो टूरिस्ट प्लेसेस कर्नाटक के कौन कौन से थे, गोल गुंबद जो कि बीजापुर में, मैसूर पैलेस जो कि मैसूर में, दरिया दौलत बाग जो कि श्रीरंग पटना में है, और जोग फॉल और श्रीवन समुद्र फॉल जो कि बहुत फेमस है। ऑक्यूपेशन वहाँ का क्या है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ कर्नाटक आर एग्रीकल्चर, कृषि वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, फिशिंग है और एनिमल रियरिंग है, सेरीकल्चर मीन्स रेशम के कीड़ों को पालना, और हॉर्टिकल्चर जो कि है आपका बागवानी, पेड़ पौधे लगाना, बी कीपिंग यानी बीज को रखना, और लेदर वर्क। ये वहाँ के कर्नाटक के मेन ऑक्यूपेशंस कौन कौन से थे, एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल रियरिंग, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग एंड लेदर वर्क्स। तो ये सारे वहाँ के ऑक्यूपेशंस थे। वहाँ का ड्रेस क्या फेमस था, द मेन ड्रेसेस ऑफ मेन इज लुंगी कुर्ता। वहाँ कर्नाटक में लोग क्या पहनते थे, लुंगी कुर्ता पहनते थे मेन, और वुमेन पहनते थे सारीज। फूड वहाँ कौन कौन सा फेमस था, द कुजिन ऑफ कर्नाटक इंक्लूड्स पुलियोगरे बिसी बेली भट। ये वहाँ के जो फूड आइटम्स थे उनके नाम हैं, रागी आकी, सारा हुली, गोजू, सांभर, डोसाज। ये सब वहाँ के फेमस फूड आइटम्स थे। डेजर्ट्स लाइक हगी प्यासा लड्डू एंड साजिगे आर आल्सो ईटन हियर। और यहाँ पर कुछ डेजर्ट्स भी, डेजर्ट मीन्स मीठी चीज़ें, स्वीट्स। यहाँ पर डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान नहीं है, डेजर्ट जो कि वहाँ पर बहुत फेमस थे उनके नाम ये सारे हैं। डांस एंड म्यूज़िक,
यक्षगण, कृष्णा, परिजदा एंड भूता, ये वहाँ के डांस फॉर्म्स हैं। आराधना, भूत आराधना आर सम ऑफ द डांस फॉर्म्स ऑफ द स्टेट, और इस स्टेट के ये डांस फॉर्म्स हैं। सम ऑफ द डांस फॉर्म्स ऑफ द कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक ऑफ द स्टेट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक जो है वहाँ पे पूरे संसार में फेमस है। नेक्स्ट स्टेट आपका आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश इज द फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट आपका स्टेट है। इट इज शेयर इट्स कैपिटल हैदराबाद, इसकी कैपिटल हैदराबाद है, जो कि इट शेयर इट्स कैपिटल विद हैदराबाद विद तेलंगाना। ये अपनी कैपिटल को हैदराबाद तेलंगाना से शेयर करता है, वहाँ पर है इसकी कैपिटल। इट्स प्रपोज्ड कैपिटल इन अमरावती, और ये इस अपनी कैपिटल को अमरावती इट्स प्रपोज इट्स कैपिटल इज अमरावती, और इनकी कैपिटल अमरावती मेनली मानी जाती है। ये अपनी कैपिटल को शेयर करते हैं हैदराबाद और तेलंगाना से, लेकिन इनकी कैपिटल क्या है, अमरावती है। नेबर्स कौन कौन से हैं, नेबर स्टेट्स कौन कौन से, द स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर्स विद तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। ये सारे जो स्टेट्स हैं ये इसके नेबर में आते हैं, बाउंड्रीज में आते हैं। कौन कौन से हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। इसके टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं आंध्र प्रदेश के। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द स्टेट इंक्लूड तिरुपति, विजाग, विजयवाड़ा, तालाकोना वाटरफॉल, अमरावती एंड अराकू वैली। ये सारे जो हैं इसके टूरिस्ट प्लेसेस यानी घूमने की जगह माने जाते हैं। तिरुपति, विजाग, विजयवाड़ा, तालाकोना वाटरफॉल, अमरावती एंड अराकू वैली, ये सारे उनके नाम हैं। ऑक्यूपेशन वहाँ का क्या था, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आंध्र प्रदेश। ऑफ आंध्र प्रदेश द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट इंक्लूड ग्राउंड नट, ऑयल सीड्स, कॉटन, शुगर केन एंड जूट। वहाँ का मुख्य व्यवसाय मेन ऑक्यूपेशन कौन सा था, एग्रीकल्चर था, और वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती थी, ग्राउंड नट, ऑयल सीड, कॉटन, शुगर केन एंड जूट उगाई जाती थी। वहाँ के फेमस ड्रेसेस कौन कौन से थे, द वुमेन इन आंध्र प्रदेश वियर सारीज ब्लाउजेज। वहाँ आंध्र प्रदेश में जो वुमेन थी वो सारी ब्लाउज पहनती थी, और मेन क्या पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। फूड, आंध्र प्रदेश इज़ फेमस फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेस। आंध्र प्रदेश जो है वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों डिशेस के लिए फेमस है। और इसमें कौन कौन सी डिशेस पाई जाती थी, बिरयानी, बघारा बैगन, मिर्ची का सालन, ये सब वहाँ पर फेमस थे। डांस कौन कौन से फेमस थे, आंध्र प्रदेश का फेमस डांस कुचिपुड़ी इज़ द स्टेट्स बेस्ट नोन क्लासिकल डांस है। स्टेट का बेस्ट नोन क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा था, वहाँ पर कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना। तेलंगाना वॉज कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड फॉर्म्ड एज अ स्टेट इन 2014। तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश का एक पार्ट है, उसको एक स्टेट बनाया गया है 2014 में। इट्स कैपिटल इज हैदराबाद, जिसकी कैपिटल हैदराबाद है। इसके नेबर स्टेट्स कौन कौन से हैं, तेलंगाना शेयर इट्स बॉर्डर्स विद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि तेलंगाना के बॉर्डर्स पर कौन कौन से स्टेट आते हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस में कौन कौन सी जगह हैं, देयर आर मैनी टूरिस्ट प्लेसेस इन तेलंगाना, सम अमंग देम आर। यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट, रामोजी फिल्म सिटी, सालार जंग म्यूजियम, हुसैन सागर और बिरला मंदिर। ये वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस माने जाते हैं।
ऑक्यूपेशन वहाँ का क्या है? द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज एग्रीकल्चर। आप ये पहले से देखते चले आ रहे होंगे कि मोस्टली स्टेट्स के जो ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन, वो पहले एग्रीकल्चर ही है। बाद में इम्प्रूव हो करके और भी चीज़ें आ गई, लेकिन सबसे फर्स्ट ऑक्यूपेशन सारे स्टेट्स का एग्रीकल्चर ही है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ एग्रीकल्चर, उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन बिड्री क्राफ्ट, लोग और भी क्राफ्ट बनाते थे। कौन कौन सा बिड्री क्राफ्ट? बंजारा नीडल्स क्राफ्ट, डोकरा मेटल क्राफ्ट, निर्मल ऑयल पेंटिंग और ब्रोंज कास्टिंग हैंडीक्राफ्ट भी बनाते थे। और फूड आइटम्स कौन कौन से थे इसके? पाची पुलुसु, ये सब उनके फूड आइटम्स के नाम हैं। हैदराबादी बिरयानी, कोलीचीना ममसम, पोलेलू, सर्वापिंडी आर सम पॉपुलर फूड आइटम्स ऑफ द स्टेट। और ये सारे फूड आइटम्स थे इस स्टेट के। तमिलनाडु पढ़ेंगे, तमिलनाडु लाइज इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तमिलनाडु इंडिया के साउथ साउदर्न पार्ट में पाया जाता है। चेन्नई इसकी राजधानी, चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट, चेन्नई इसकी राजधानी। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। आपको एटलीस्ट कैपिटल सारी लर्न होनी चाहिए, जितने भी स्टेट्स यहाँ पर पढ़ाए गए हैं सारे स्टेट्स के कैपिटल क्या हैं। और अगर कोई डांस फॉर्म बहुत फेमस है या कोई वाटरफॉल बहुत फेमस है तो उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तमिलनाडु के नेबर्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं? केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका इसका टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से। द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टेट आर महाबलीपुरम, कांचीपुरम, थंजावुर, त्रिचुपल्ली, कोडाईकनल, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और ऊटी। ये इसके टूरिस्ट प्लेसेस हैं, मीन्स ये इसके घूमने फिरने की जगह हैं जो कि बहुत फेमस है। इसका भी मुख्य व्यवसाय ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है। और क्रॉप्स क्या, कौन कौन सी फसलें यहाँ पर उगती थी? द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन दिस स्टेट इंक्लूड पैडी, मिलेट्स, पल्सेस, शुगर केन, कॉटन, सनफ्लावर, कोकोनट, कैश्यू एंड ग्राउंडनट। यानी पैडी मीन्स धान, मिलेट्स मीन्स बाजरा, पल्सेस मीन्स दाल, शुगर केन मीन्स गन्ना, कॉटन, सनफ्लावर, कोकोनट, ये सब आप जानते हैं, ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली, ये सब फसलें वहाँ पर उगती थी। द प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट आर, और कौन कौन से प्लांटेशन क्रॉप्स होते थे? टी, कॉफ़ी, कार्डमम मीन्स इलायची एंड रबर। ये सारे प्लांट्स भी वहाँ पर, ये सारे प्लांट्स की भी फसल वहाँ पर होती थी। ड्रेसेस कौन कौन से फेमस थे? तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर कांचीपुरम सारीज, तमिलनाडु कांचीपुरम सारीज के लिए फेमस है। द मैन यूजअली वियर लुंगी एंड अ शर्ट एंड अंगवस्त्र। मैन क्या पहनते थे? लुंगी पहनते थे शर्ट के साथ और अंगवस्त्र पहनते थे। फूड आइटम्स कौन कौन से थे? द स्टेपल डिशेस इन द स्टेट आर इडली, डोसा, अप्पम, उत्पम, सांभर, रसम और वड़ा, रसम एंड वड़ा, ये आपके फूड आइटम्स वहाँ फेमस थे। डांस वहाँ पर तमिलनाडु में कौन सा फेमस था? जैसे कि आपने सुना भी होगा, भरतनाट्यम वहाँ का फेमस डांस फॉर्म है। तो ये चैप्टर आज मैंने क्लोज कर दिया है, ये चैप्टर एंड हो गया है आपका। अब हम आएंगे एक्सरसाइजेस पर, जो कि टिक द करेक्ट ऑप्शन है। टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको बुक में करना है, यू कैन टिक इट विथ पॉजिंग द वीडियो एंड फाइव क्वेश्चन आंसर्स इज गिवेन। यहाँ पर फाइव एक्सरसाइजेस, फाइव क्वेश्चन आंसर, पहले तो आपके करेक्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन आ गए, फिर उसके बाद आपके हैं फाइव क्वेश्चन आंसर्स, वो अभी मैं दिखाऊंगी आपको, वो कॉपी से करना है। ये है ट्रू एंड फॉल्स करना है, ये आप चैप्टर्स में से देख करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। डी एक्सरसाइज मैचिंग है, ये भी आपका होमवर्क है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको चैप्टर में नहीं मिलेगी। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स में, फाइव क्वेश्चन आंसर्स आर गिवेन, ये आपको कॉपी में करना है एंड ऑल्सो लर्न ऑल द सिलेबस।
तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पढ़ा दिया सारे चैप्टर्स, सारा क्वेश्चन क्वेश्चन बेटा ये आप यूट्यूब से इसको पॉज करके लिख सकते हैं। 5 क्वेश्चन आंसर्स मैंने कराए हैं, ये आप यूट्यूब को फॉलो करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है? चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, कल मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलूंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।